सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड सेरू क्लासेस 2024 से जुड़ी कुछ शानदार अपडेट्स और जो है मैं लेके आ चुका हूँ। एंड गाइस, जैसे आप लोगों को पता होगा कि सेरू क्लासेस खत्म हो चुका है एंड अपने अमित आकरे भाई मेंस विजिट डिवीजन के विनर जो हैं वो बन चुके हैं एंड मिस्टर ओलंपिया भी क्वालिफाई कर चुके हैं। बाद बाकी आफ्टर शो उनके जो रिएक्शन है हम लोग को लाइव सेक्शन के अंदर देखने को मिले थे एंड वो लाइव आए थे अपने कोच एंड हमारे प्यारे भैया कृष्णा पटेल भाई के साथ में। तो गाइस, क्या कुछ उन्होंने बोला एंड क्या बातें हुई थी लाइव सेशन के दौरान आप लोग कम्प्लीटली देख सकते हो। एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर से प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से वीडियो के लास्ट में। सो मच, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मतलब बोलते ना कि किसी का कभी किसी का दिन होता है, बट दिन इतना बड़ा होता है ये नहीं पता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं पता था हमको। ये पता था कि हमें ओवरऑल प्रो कार्ड मिलेगा, हम प्रो शो में फाइट देंगे, बट एक क्रैक हो जाएगा हमको 1% भी, मतलब यू नो, एक बोलते ना कि आइडिया नहीं था, बट ये था कि हम टफ फाइट करेंगे प्रो शो में। बट जब बोलते हैं गॉड इज़ वेरी काइंड, जब उसका हाथ आपके सिर पे होता है और जब आपका दिन होता है तो मतलब कि जिस दिन आपका दिन होता है उस दिन आपका दिन होता है। बाकी अभी हम लोग बिल्कुल जोन आउट है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है क्या नहीं है, कैसे हुआ कैसे हो गया। बस ऊपर वाले की कृपा है, आप सबका प्यार है और हमारी जो टीम है ना, टीम मतलब जो टीम है, मैं अपनी टीम के लिए जितना भी बोलूँ उतना कम है। तो कहना तो ये था कि इंडिविजुअल स्पोर्ट तो कभी नहीं है। आप अगर ये सोच लो कि एक ही टीम एक गेम आप अकेले आप एक कोच या अकेले करोगे तो मेरे पीछे ऐसे लोग जिन्हों जो मुझे एक महीना पहले मिले, दो महीना पहले, लेकिन ऐसे एफर्ट डालते कि मुझे सालों से जान लो। सेल्फलेसली बिना कोई रीज़न से वो आपको हेल्प कर रहे हैं, सेल्फलेसली आपके लिए वो खड़े हैं, सेल्फलेसली आपके लिए हर चीज़ कर रहे हैं। तो ही आप अच्छे सराउंडिंग और अच्छे लोगों में रहोगे तो ही ये सब आई गेस पॉसिबल होगा। और क्वालिफाई करना इंडिया से सबके सामने, जब जब वो एक नेशनल एंथम होता है और पूरा पूरा क्राउड आपको मतलब यू नो आपके साथ खड़ा है उस नेशनल एंथम में और आपको प्रेज कर रहा है, और यू नो वो एक फीलिंग जो है ना, मतलब वो शायद कल में हम सोते उठेंगे तब वो हमें समझ में। हमारा जो जर्नी रही है अमित के साथ, आपको लग रहा होगा कि मतलब ओवरऑल प्रो कार्ड जीता फिर क्वालिफाई कर गए, पर इसका क्वाइट लॉन्ग जर्नी, 6 महीने की जर्नी, और ये इसमें मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ, प्राउडली बोल सकता हूँ प्राउडली, कि इस बंदे ने जितने डेडिकेटेडली प्रेप की है ना, अगर मैंने ये बोला है कि ये करना है, यस भैया हो जाएगा, ये करना है, यस भैया हो जाएगा, नो मैंने आज तक नहीं सुना। तो इज़ हार्डवर्क, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मतलब ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे एथलीट मिले हैं, अमित है, वरदान है और भी लोग हैं। तो मैं बहुत मतलब ऊपर वाले को जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, ब्लेसिंग है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। और मतलब यू नो कि कुछ शब्द नहीं है, मतलब अभी कुछ बोल ही नहीं सकते। ओलंपिया के लिए क्या आपने सोचा है, क्या प्लान्स हैं? क्या हम लोग प्लान तो ये है कि डेफिनेटली कि डिसअपॉइंट हो गए, डिसअपॉइंटेड तो नहीं करेंगे किसी को, मेहनत उस मेहनत डबल होगी क्योंकि हम कहना कि माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है इंडिया का एंड बिलीव रहता है, और मेरा माइंडसेट हमेशा से रहा है कि पूरा 100% देना है, 200% पुश करना है। सो यही प्लान है कि जो हम लोगों ने इवन दो हम ओलंपिया ट्रैक किए, हम लोग ये नहीं थे कि हाँ वी आर एंजॉइंग, ओके वो मोमेंट था, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि हम लोग जज के पास गए, हम लोग जो ओलंपियन उनके पास गए, उनको हमें पूछा कि वही कहना कि हमारे टीम में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि हम लोग सब भूल जाते जो हो गया एंड वी गेट बैक टू द नॉर्मल।
अनस्टॉपेबल सेट करे, बिग बिग कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू सिद्धार्थ भैया, थैंक यू बहुत। सिद्धार्थ भैया दिल से बहुत प्यार करते हैं, वो दिखता है उनकी आंखों में दिखता है कि मतलब दिल से सपोर्ट करते हैं। लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने हिस्ट्री बनते देखी अपनी आंखों से लाइव, लाइक वी आर सो लकी। ये एक्चुअली इंडिया की विन है। सबसे अच्छा प्राउड मोमेंट जो था कि शायद मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक फेस रहूँगा कि एक इंडिया वर्सेज यूएसए वाला पैटर्न आ जाएगा और पूरा इंडिया खड़ा होगा। यूजली आप देखते हो तो कहीं ना कहीं क्राउड स्प्लिट हो जाता है फॉर दिस एथलीट फॉर दैट एथलीट, पर आज पहली बार होगा कि आई गेस मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे जो प्रेजेंट था वो डिसअपॉइंटेड हो गए रिजल्ट से। एंड वो पॉप बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, जो नॉट जो जस्ट फॉर अस फॉर अ स्पीड, लेकिन पूरे जो भी इंडियंस खड़े थे बिकॉज इट्स इंडिया विन। एंड आई गेस एंड वी गोना मेक अस मेक देम प्राउड। ऐसा उनको फील नहीं हुआ कि यार ये एक टाइम पे अच्छा था, बिकॉज हम लोग कभी नहीं ऐसा कभी नहीं। एंड द रियल जर्नी बिगिंस, रियल जर्नी, रियल जर्नी। ये हम लोगों ने प्लान था, भैया को मैंने ये बोला था कि हाँ जस्ट बिकॉज अभी भैया बोले कि प्रो बन जाएगा, मतलब हाँ भैया को डिग्री है, एक्चुअल काम तो इसके बाद होगा कि आपको सीधा भिड़ना है रायन टेरी एरन ब्रायन जैसे फिजिक्स से आपका कंपेयर होगा। सो लेट्स सी आगे प्लान। तो हम लोगों ने इवन रायन टेरी से मिले हम लोग दैट, एंड हम लोगों ने फीडबैक लिया कि हम लोगों को कैसा प्लान करना चाहिए क्योंकि ओलंपियन हम लोगों का, तो आज हम लोग आधा घंटा पहले प्रो बन के ओलंपियन क्वालिफाई किया। तो ही टोल्ड इट्स बीन रियली अमेजिंग कि कैसे प्लान किया, कैसे क्या करना चाहिए। एंड वो बहुत एक्चुअली 10 मिनट का जो बातें थी वो बहुत कुछ हेल्पफुल रही भैया भैया के लिए मेरे लिए। सो हम लोगों का प्लान ऑलरेडी सेट है हमें क्या करना है, बाकी भैया जैसे प्रोटोकॉल देंगे मैं करता रहूँगा। तो बस यही है कि मतलब हमने अपना काम किया है, हमने अपना होमवर्क सही से किया था और रिजल्ट हमने ऊपर, हाँ टारगेट था कि हमें ये चाहिए बट रिजल्ट हमने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा था कि हमने अपना काम किया है और यू नो हो गया हो गया। तो आपके दो प्रो एथलीट थे तो आपके बहुत स्ट्रेस आउट था। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सबको बताना चाहता हूँ, अमित था आज ही ओवरऑल प्रो कार्ड जीता और वरदान था। तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि दो लोगों को कैसे मतलब यू नो एक एक्साइटमेंट भी थी और एक इमोशनल साइड भी था, एक स्ट्रेस भी था। बाय द वे बेन ने ज्वाइन करा है लाइव। No, it's working, yeah. कर लो उसे। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे कि लास्ट ईयर वो ओवरऑल बना था। हाँ ओवरऑल बना था लास्ट ईयर वरदान, ओवरऑल प्रो कार्ड था और इंडियन में टॉप पोजीशन में था। हाँ 6 महीने इस बार जो भी इट्स अ स्पोर्ट विन और लूज रहता है, हम उसके ड्रॉबैक पे काम करेंगे। वरदान की प्लेसिंग के लिए डेफिनेटली उसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा लड़का है, हम उसके लिए काम करेंगे। लोगों का क्वेश्चन है डू यू कोच फॉर बिगनर्स आल्सो? या मैं ऑब्वियसली बिगनर हो मतलब इंटरमीडिएट हो एडवांस हो मैं सबको कोच करता हूँ और मैं पर्सनली इंडिविजुअली देखता हूँ सबको। तो बस यही है, बाकी अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं। ये आप लोगों का इतना प्यार देख के हमको लगा कि लाइव जाना चाहिए। ओके लास्ट क्वेश्चन, इंडिया के टॉप मोस्ट एथलीट बाकी गाइस जो कृष्णा भाई ने बोला कि इस बार जो अपने अमिल भाई हैं जब वो एज अ विनर अनाउंस हुए थे तो काफ़ी लोग खड़े होकर उनको क्लैपिंग करने लगे थे उनके लिए, तो काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट था एंड काफ़ी अच्छा भी लगा था कि इस बार लोग जजेस को अपना एप्रिसिएशन दे रहे हैं उसको क्रिटिसाइज़ करने की जगह, तो एक अच्छा मूवमेंट रहा था वो। बाकी अब वो डायरेक्टली अपने मिस्टर ओलंपिया की प्रैप के लिए अब साइड से हम लोग को आगे देखने को मिलेंगे एंड क्या कुछ उनकी साइड से और अपडेट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे एंड क्या मेजर अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट के साथ में हम लोग को मिस्टर ओलंपिया के अंदर नज़र आएंगे, क्योंकि जैसे अमित भाई ने बोला कि वो हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे एंड इससे डबल मेहनत वो करेंगे। सो लेट्स सी आई के क्या अपडेट्स आते हैं एंड कैसा रहता है उनका इस साल का मिस्टर ओलंपिया का पैकेज, आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं बताता रहूँगा। सो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।